तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे। छोटी टहनियों की क्या बिसात जो आपको हिला देंगे। जो थक कर बैठ जाते हैं मंजिल के पहले, आप और हम बुलंद हौसलों के बल पर आसमां को झुका देंगे। आज हम बात करने वाले हैं आतिथ्य पब्लिक स्कूल की, जो प्ले वे से लेकर के इंटरमीडिएट तक की शिक्षा बच्चों को CBSE पैटर्न से दी जाती है, जो चंगहा रोड पर स्थित है, जहाँ पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को उत्तम शिक्षा देने के लिए व्यवस्था की गई है। यह चंगहा क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित स्कूल है, जहाँ छोटे बच्चे बड़े बच्चे अध्ययन करके अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम विद्यालय के कैंपस में चलते हैं और विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी से रूबरू होते हैं। विद्यालय में घुसने के बाद यहाँ पर एक सभागार बनाया गया है, जहाँ पर अभिभावक आकर के बैठते हैं। एक काउंटर भी बनाया गया है, इंक्वायरी काउंटर भी बनी हुई है, बना हुआ है। यहाँ देखिए छोटे बच्चे अपने गार्जियन को लेकर के एडमिशन कराने के लिए आए हुए हैं। आइए हम प्रिंसिपल साहब के रूम में चलते हैं। सर नमस्कार, मैं UPS प्रेस सुनील मट्टीपाठी। सर जगहा क्षेत्र में जो विद्यालय आदित्य पब्लिक स्कूल खुला हुआ है, किस क्लास से लेकर के किस क्लास तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है और शिक्षा की पद्धति क्या है? सर यह विद्यालय क्लास 11 से लेकर क्लास 12 तक चलती है। यह CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। इसकी मान्यता 2016 से है, ठीक है। इसके पहले क्लास 7 तक चलता था और इसकी स्थापना जो है 17 मार्च 2013 को हुई है। जी जी। और जो भी CBSE के नाम्स हैं वो सभी सुविधाएं इस स्कूल में उपलब्ध हैं जी। और जो प्रैक्टिकल के क्लासेज हो गए, स्पोर्ट्स के हो गए, ऑनलाइन क्लासेज हो गए, स्मार्ट क्लास हो गए, हर सुविधा हम यहाँ पर देते हैं जी। जी जी। सर यहाँ पर कुछ तमाम ऐसे अभिभावक होंगे जो निर्भर होंगे, वो अपने बच्चों को पढ़ाना अगर चाहते हैं अच्छे स्कूलों में, अगर वो निर्भय में फीस नहीं जमा कर पाते हैं, उन बच्चों के लिए, उन अभिभावकों के लिए कुछ खास रियायत की गई है क्या? सर जो इस एरिया में जो नए बच्चे आते हैं और जो कमज़ोर वर्ग के हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनका जो एडमिशन के समय में एडमिशन फीस होता है उसको हम जीरो कर देते हैं, और कभी कभी जो है एक दो महीने का फीस भी हम माफ़ करते हैं पूरे साल के अंतर्गत। और जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जिनकी पढ़ाई घर पर नहीं हो पाती है, उनके लिए हम स्पेशल यहाँ पर प्रोग्राम चलाते हैं लास्ट पीरियड में, जो वीक बच्चे होते हैं उनके लिए। सर विद्यालय में पठन पाठन के अलावा जो अदर एक्टिविटी होती है, जैसे निबंध प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, GK कंपटीशन, क्या विद्यालय में इस तरह का योगदान दिया जाता है बच्चों को? सर पूरे साल में हर जो सैटरडे होता है, सैटरडे एक्टिविटी डे ही होता है। उस एक्टिविटी में हमारा कोई भी कंपटीशन, जैसे कि ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो गया, साइंस क्विज हो गया, डिबेट हो गया, मैथ्स क्विज हो गया, GK कंपटीशन हो गया, इसके अलावा कभी कभी हम स्पोर्ट्स कंपटीशन भी करवाते हैं। यस सर, धन्यवाद। सोचने से कहाँ मिलते हैं, तमन्नाओं के साथ चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। जिस मंजिल की तलाश जंगहा वासियों को थी, वो आदित्य पब्लिक स्कूल में आकर के पूरी हो गई है। धन्यवाद। मैं सुनील त्रिपाठी, UP एक्सप्रेस, ब्यूरो हेड, गोरखपुर।